हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रेडिक्शन ड्रीम 11 में। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो वैनकूवर नाइट और वेस्ट इंडीज बी के बीच में 14th T20 मैच खेला जाएगा कनाडा लीग का। यह मैच खेला जाएगा लेफ्ट नॉर्थ वेस्ट ग्राउंड किंग सिटी के स्टेडियम में। इस स्टेडियम की जो पिच रहती है वो बैट्समैन को सपोर्ट करती है और इस ग्राउंड का जो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर रहता है वो रहता है 187 का और सेकेंड इनिंग रहता है 183 का। हम आगे बात करने वाले लास्ट मैचेस की। तो वेस्ट इंडीज़ बी ने अपना लास्ट मैच 9 विकेट से बहुत ही अच्छे तरीके से विन किया है। वैनकूवर नाइट का जो लास्ट मैच है वो रद्द हो गया था और टॉस भी नहीं हो पाया था, इसलिए प्लेइंग 11 भी हमारे सामने नहीं आ पाई। और उससे पहले जो वैनकूवर नाइट का मैच हुआ था वो वैनकूवर नाइट ने 18 रनों से विन कर लिया था। हम आगे बात करने वाले हैं वेस्ट इंडीज़ बी की प्लेइंग 11 की और लास्ट मैच के प्लेयर्स के परफॉर्मेंस के बारे में। तो जस्टिन ग्रेव्स ने बनाए थे 89 रन, एक विकेट भी लिया था। सरफ ने रुद्रफुड ने बनाए थे 5 रन, इनको भी एक विकेट मिला था। ब्रेंडन किंग ने बनाए थे 44 रन। निकोल्स पूरन की बैटिंग नहीं आ पाई, एंथनी की बैटिंग नहीं आ पाई, समार स्प्रिंगर को कोई भी विकेट नहीं मिला, केवम होज इनको भी कोई विकेट नहीं मिला, फेबियन एलन को एक विकेट, डेलवे ग्रीन एक विकेट, खारी पेरे को 0 विकेट और ओबेट मैकॉय को मिले थे 3 विकेट। तो ये प्लेइंग 11 रही थी लास्ट मैच में और बहुत ही अच्छे तरीके से वेस्ट इंडीज़ ने अपना लास्ट जो मैच है बहुत ही अच्छे तरीके से विन किया था। मुझे लगता है 99% अपने प्लेइंग 11 में कोई भी चेंजेस नहीं करने वाली है अगर लास्ट टाइम में कोई इंजर्ड नहीं हो जाता है तो। बाकी जो बेंच में प्लेयर बैठे हैं, रोलैंड केटो, एलिक एथानजे और जर्मिया लोइस, ये 3 प्लेयर जो है बेंच में बैठे, मुझे लगता है इस मैच में इन प्लेयर्स को भी मौका नहीं दिया जाएगा। हम आगे बात करने वाले हैं वैनकूवर नाइट की प्लेइंग 11 की और लास्ट मैच के प्लेयर्स के परफॉर्मेंस के बारे में। तो क्रिस गेल जो टीम के कैप्टन है बनाए थे 4 रन, इवन लेविस 16 रन, चार्डविक वोल्टन ने बनाए थे 5 रन, वेंडर डेजन ने बनाए थे 83 रन, बाबर हयात 20 रन, आंद्रे रसल 13 रन एक विकेट, कमाओ लेवरोक ने बनाए थे 5 रन, इनको कोई भी विकेट नहीं मिला, टीम साउथी 2 रन बनाए थे 3 विकेट भी लिए थे, फवाद अहमद की बैटिंग नहीं आ पाई, एक विकेट इनको मिला था, सेलोन कोटेल को मिले थे 2 विकेट और शाद बिन जफर को मिले थे 3 विकेट। तो ये प्लेइंग 11 रहती वैनकूवर नाइट की पिछले मैच में और वैनकूवर नाइट ने पिछले मैच अपना 18 रनों से विन भी किया है। तो मुझे लगता है अपने प्लेइंग 11 में कोई भी चेंजेस नहीं करने वाला है। बाकी जो प्लेयर बेंच में बैठे हैं, रविंद्र गुणसेकरा, श्रीमंता विजयरत्ने, सलमान नजर, जेरेनी गोर्डन और यहाँ पे स्टेवन जेकोब्स, अगर कोई भी चेंजेस करना चाहता है बहुत ही कम चांसेस है, यहाँ पे केमाओ लेवरोक की जगह स्टेवन जेकोब्स को टीम में मौका दिया जा सकता है। बाकी सारे प्लेयर्स आपके लिए एकदम सेफ रहने वाले हैं। बाकी अगर आप स्मॉल लीग और हेड टू हेड की लीग खेलते हो तो उन्हीं प्लेयर्स को अपनी टीम में पिक करना जिस प्लेयर ने लास्ट मिनट में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, जिससे आपका कोई भी प्लेयर मिस नहीं होगा। बाकी कोई भी न्यूज आएगी प्लेयर्स के बारे में या प्लेयर्स की इंजरी के बारे में तो आप एक बार मिनट से पहले कमेंट सेक्शन बॉक्स जरूर से चेक कर लेना। हम आगे बात करने वाले कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की। क्रिस गेल, इवन लेविस, वेंडर डुजन, जस्टिन ग्रेव्स, सरफ ने रुदरफोर्ड, निकोल्स पूरन, केवम होज और आंद्रे रसल, ये 8 प्लेयर आपके लिए बेस्ट प्लेयर रहने वाले हैं स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस के लिए। हम आगे बात करने वाले हैं ग्रैंड लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की। चार्डविक वोल्टन, बाबर हयात, सेल्डन कोटरेल, टिम साउथी, ब्रेंडन किंग, एंथनी ब्रेम्बल, फेबियन एलन, ओबेट मैकॉय और फवाद अहमद, ये 9 प्लेयर ऐसे अगर आप अपने ग्रैंड लीग की टीम में इन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन बनाते हैं और ये अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको अच्छा अमाउंट या वन साइड लीग ग्रैंड लीग भी विन करा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कम लोग इन्हें अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन रखेंगे। अगर आप अपने टीम के हिसाब से जाना चाहते हो तो आप इनमें से किसी को कैप्टन और इनमें से किसी को आप वाइस कैप्टन, या आप इनमें से किसी को वाइस कैप्टन और इनमें से किसी को आप अपने टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो अपनी टीम के हिसाब से और आप एक बेटर टीम बना सकते हो। हम आगे बात करने वाले हैं रिस्की प्लेयर्स बट हाई चांस विन ग्रैंड लीग। रोलैंड केटो, एलिक एथानजे, जर्मिया लोइस, रुविंडो गुणसेकरा, श्रीमंता विजयरत्ने, सलमान नजर, स्टेवन जेकब्स और जेरेमी गोर्डन, ये 8 प्लेयर आपके लिए 99% इस मैच के लिए रिस्की हो सकते हैं। अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हो और बहुत ही ज़्यादा आपके लिए रिस्क लेने की इच्छा हो तभी आप इनमें से किसी प्लेयर्स को अपनी टीम में पिक करना। अगर वो खेलता और अच्छा परफॉर्म करता तो आप खुद जानते हो आपको वन साइडली ग्रैंड लीग विन करा सकता है, लेकिन आपके प्लेयर मिस भी हो सकते हैं। तो अगर आप अपने टीम में इन प्लेयर्स को पिक करते हो तो आप अपने रिस्क के ऊपर ही अपने टीम में इन प्लेयर्स को पिक करना। बाकी अगर आपको फ्यूचर में ऐसे ही हर मैच की वीडियो चाहिए तो आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, पास में जो बेल आइकन का बटन है आपको उसे प्रेस करना होगा, तभी मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा और आप वीडियो को आसानी से देख पाओगे। इसीलिए बोल रहा हूँ आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। और आप इस वीडियो को देख रहे हो, इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को जल्दी से लाइक भी कर दो। हम आगे बात करने वाले हैं
ड्रीम इलेवन की टीम की जो मैंने आपके लिए बनाई है। यहाँ पे विकेट कीपर सेक्शन के लिए आपके पास तीन ऑप्शन दिए गए, चार्डविक बोल्टन, एंथनी और श्रीमंत विजयरत्ने। तो श्रीमंता विजयरत्ने को मुझे लगता है इसमें भी मौका नहीं दिया जाएगा। जो दो आपके लिए एकदम से ऑप्शन है, चार्डविक बोल्टन और एंथनी ब्रेम्बल। मैंने अपने इस टीम में चार्डविक बोल्टन को पिक किया है क्योंकि वो ऊपर बैटिंग करने आते हैं। बैट्समैन सेक्शन की हम बात करें तो निकोल्स पुरन, ब्रेंडन किंग, इवन लेविस और मैंने यहाँ पे पिक किया है रसी वेंडर डजन को। और ऑप्शन की बात करूँ आपके पास एलिक एतानजे को आप अपनी टीम में पिक मत करना। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो बात अलग है। क्रिस गेल आपके लिए एकदम सेफ ऑप्शन है, फेबियन एलिन आपके लिए एकदम सेफ ऑप्शन है, रोलन केटो मुझे लगता है इसमें मौका नहीं दिया जाएगा। बाकी अगर रिस्क लेना चाहते हो वो आपके ऊपर है। स्प्रिंगर आपको इसमें खेलता हुआ नजर आ जाएंगे, बाबर हयात आपके लिए एकदम सेफ ऑप्शन है, रविंद्र गुनासेकरा को मुझे लगता है इसमें मौका नहीं दिया जाएगा। हम बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की तो आंद्रे रसल, जस्टिन ग्रेव्स और सरफने रुदरफोर्ड, इन तीन ऑलराउंडर को मैंने अपनी टीम में पिक किया। केविन होज का आपके लिए एकदम सेफ ऑप्शन है, कमाओ लेवरो का मैंने आपको बता दिया इस मैच के लिए आपके लिए डाउटफुल हो सकते हैं, और सलमान अजहर को मुझे लगता है इस मैच में भी मौका नहीं मिलेगा। हम बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन की तो ओबेड मेकोय, टिम साउथी और साथ में जफर को मैंने अपनी टीम में पिक किया है। खेरी पेरे का आपके लिए एकदम सेफ ऑप्शन है, डेरविल ग्रीन, स्टेवन सेकअप्स का मैंने आपको बता दिया हाई चांस रहने वाले इस मैच में खेलने के। अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हो तभी आप अपने टीम इनको पिक करना क्योंकि थोड़ा बहुत ये रिस्क रह सकता है इस मैच के लिए। फवाद अहमद आपके लिए एकदम सेफ ऑप्शन है, सेल्डन कोटेल आपके लिए एकदम सेफ ऑप्शन है, जर्माई लोइस अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो इनके ऊपर आप रिस्क ले सकते हो, और जर्मेनी गोर्डन आपके लिए एकदम सेफ ऑप्शन रहने वाला है। हम आगे बात करते हैं यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन चूज की तो मैंने इस टीम में कैप्टन रखा है इवन लेविस को, और वाइस कैप्टन मैंने बनाया जस्टिन ग्रेव्स को। हम बात करते हैं फाइनल प्रीव्यू की तो यही मेरा हर लीग का फाइनल प्रीव्यू रहने वाला है। इसी टीम के साथ मैं हर लीग खेलने वाला हूँ, अगर आप इस टीम के साथ खेलना चाहते हो तो खेल सकते हो, लेकिन मैं ये खुद चाहता हूँ आप इस टीम में से एक दो अपनी तरफ से चेंजेस करो ताकि अगर आप खुद से नॉलेज यूज़ करोगे, खुद से टीम बनाओगे, खुद से ही कैप्टन वाइस कैप्टन चूज़ करोगे तभी आप एक बेटर टीम बना के अच्छा विन कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करना, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ सकते हो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द।